पांच चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अपने दांतों की देखभाल के लिए, अपने ओरल कैविटी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभजीत सानी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क। सबसे पहली चीज़, हर रोज दो बारी दो मिनट के लिए ब्रश जरूर करें, एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात को सोने से पहले। इससे क्या होएगा, आपकी दांतों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होएगी, क्योंकि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, कभी कभी हमारे दो दांतों के बीच में ना फूड के पार्टिकल्स फंस जाते हैं, तो उस केस में ब्रश इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो आप डेंटल फ्लोस या इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जब भी आप पूरे दिन कुछ भी खाएं, खाने के तुरंत बाद नॉर्मल पानी से कुरला जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होएगा, जो जब हम खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों की सरफेसिस पर रह जाते हैं, चिपक जाते हैं, और हमारे मुंह के बैक्टीरियाज उन फूड पार्टिकल्स पर अटैक करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और दांतों की तीन लेयर्स होती है, सबसे पहली होती है इनेमल, दूसरी डेंटिन, तीसरी पल्प। जब एसिड बनता है तो एसिड सीधा इफेक्ट करता है हमारी दांतों की पहली ऊपर वाली लेयर को, जैसे आप देख सकते हैं इनेमल, और आगे चल के यही रीज़न होता है जिसके कारण कैविटीज, दांतों में कीड़ा लगता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिए, कुछ भी खाएं खाने के तुरंत बाद आप कुरली जरूर करें। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि कम से कम शुगरी आइटम्स को आप खाएं, क्योंकि जैसे हमें शुगर पसंद है वैसे ही हमारे मुंह के बैक्टीरिया को भी शुगर बड़ी पसंद है। जब शुगर हम खाते हैं या कुछ स्टिकी आइटम्स खाते हैं तो हमारी दांतों की सरफेसिस पर चिपक जाती है, जैसे मैंने अभी बताया। तो शुगर जब हम खाते हैं तो बैक्टीरिया को शुगर और भी ज़्यादा पसंद होती है, तो और ज़्यादा वो एसिड रिलीज करता है और हमारी इनेमल को ब्रेक डाउन करता है, और आगे चलकर यही कारण होता है काफ़ी प्रॉब्लम सामने आती है हमारे। और पाँचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं रेकमेंड करूँगा आप करिए, कि हर दो से तीन मंथ के बाद अपना टूथ ब्रश जरूर बदले, और कोशिश कीजिए सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला ब्रश लें, और अपनी राइट ब्रशिंग टेक्निक को यूज़ कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिन में दो बारी सिर्फ दो से तीन मिनट के लिए ही आपको ब्रश करना है। कई पर्सन 15-15 मिनट लगा देते हैं, इसके भी कई सारे नुकसान होते हैं जब हम बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश को करते हैं। ऐसे ही आपको मैं इस कम्युनिटी के द्वारा जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ये भारत की पहली ऐसी कम्युनिटी है डेंटल की, जहाँ पर आपको हम अवेयर करेंगे दांतों रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कि आप बीमारी से पहले ही आपको समझ आ जाए और ट्रीटमेंट के वक्त इतनी दिक्कत ना आए और आप अवेयर हो सके। तो सपोर्ट जरूर कीजिए हमारी इस भारत की पहली कम्युनिटी को, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन में ना मैंने एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसको भरिए, हम आपको हमारी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल कम्युनिटी में ऐड करेंगे, जहां पर हम डेली बेसिस पर आपको कोई भी दांतों रिलेटेड समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपको बताते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भारत के लिए हम बिल्ड कर रहे हैं, ये भारत के लिए मैंने इनिशिएटिव लिया है द डेंटल नेटवर्क।